anybody can answer, even the director or actor. What is the concept of the film Ramraja? Is it to do something with the film which was released, I think, in 1948? And if you can give me the basis of the film, like what is the concept? Is it a political drama or? Thank you for the question. Very good question indeed. Actually, in 1943, the film Ram Raj was launched in India. It was a dharmic movie. It depicted the whole story of Raja Ram, as I know, because we were all not born till 1943. We are born later. But in our picture, it's a social drama. Social drama with some problems, with a unique solution to that, each problem. And the purpose of the movie's name, that Ram Raj has been kept. The story narrates why we should talk about Ram Raj. Today, indeed, in our society, in the whole country, we need peace and harmony everywhere, among all sectors, all religions, even all the parts of the society, be it higher living standard people and the below living standard people. We need every time peace, harmony and love among them. Hence, the movie Ram Raj speaks about this only, that if we create an environment like this, itself we can say that Ram Raj has come. And the movie is very good, and its story is also very attractive, and its songs very well sung with senior singers also like Kailash Khera. So everybody would like the movie. Thank you. Happy Diwali. So aapka question tha ki mera character this was Salman Sheikh, tab main isme character nibha raha hu Abrar is character ka naam. Thank you. So Abrar jo hai ye ek aam ladka hai, और इसके भी ठीक वैसे ही सपने जो कि हर हिंदुस्तानी या हर किसी एक इंसान के होते हैं. इसके पापा चाहते हैं कि एक कुछ अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब कर ले, ताकि इसकी लाइफ में किसी तरह की परेशानियां ना हो. कोई बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं इस लड़के के. अब ये लड़का अपनी स्टडी कर रहा है, इसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है. सडनली अचानक एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से इसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, इसका सपना टूट जाता है. इसके जो पापा जो इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सपना टूट जाता है. यहाँ से शुरुआत होती है अबरार कैरेक्टर की. अब अबरार क्या करता है, क्योंकि अबरार की कोई गलती नहीं थी, अबरार ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया. फिर इसके साथ इतना गलत जो हुआ, अब ये इसका बदला लेता है, या चीज़ों को बदलता है, या खुद को बदल लेता है, वो चीज़ें हमें इस फिल्म में देखने को मिली. मेरा नाम भारती है, आवाज़ भारती न्यूज़ चैनल से. मेरा वो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया. सो लास्ट चाहिए हम ये कहें कि हर क्षेत्र में कुछ अलग तरह के मसले चलते आ रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं राम राज्य की. तो राम राज्य जो है ये एक किसी एक स्पेशल वे ऑफ लिविंग या कोई एक खास प्रकार के लोग वहाँ पर रहे, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है. इसका ताल्लुक ये है कि राम राज्य मतलब एक अच्छा राज्य, जहाँ पर सबके साथ न्याय हो, जो पावरफुल लोग हो वो ओवर पावरिंग ना करे किसी कमज़ोर को, हर किसी के पास उसके अधिकार हो और अपने अधिकार के बारे में बोलने का उसे फ्रीडम मिले, और सभी लोग प्यार से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करके रहें, एक अच्छा राज्य जिसका नाम है राम राज्य. सर मेरा सवाल, फिल्म का जो टाइटल है, क्या राम राज्य वाज़ द फाइनल टाइटल, या इससे पहले ही कोई और टाइटल भी सोचा गया था, कि राम राज्य टाइटल क्यों रखा गया? एक्चुअली जब मैं इस फिल्म से ज्वाइन हुआ हूँ तब से इसका नाम राम राज्य ही था, और मुझे ऐसा लगता है राम राज्य बहुत सही नाम भी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि हमारी फिल्म ये दिखा रही है कि जो चल रहा है उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं. अगर वो एक बेहतर बन जाता है, एक वो देश या राज्य या शहर या आपका मोहल्ला कुछ भी,
अगर वो बेहतर बन जाता है, मतलब कि वो एक राम राज्य की छवि आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आई मीन राम राज्य नाइन्थ नेम ऑफ दिस वन, और उसके पहले भी कोई हिस्ट्री रही हो तो फिर वो हमारे राइटर साहब बता पाएंगे आपको। राम राज्य बुक जो है आपने लिखी, ये फिल्म जो है वो आपने लिखी है, सर रिसर्च वर्क कितना कठिन रहा है और कहाँ कहाँ से आइडिया लिया, क्योंकि हमने देखा है कि राम राज्य टाइटल के साथ काफी बुक्स भी जो है वो लिखी गई है, तो सर इसका रिसर्च वर्क और कहाँ कहाँ से जो है आपने ये चुन के चीजें, और रिसर्च सबसे पहला सवाल सर यही है कि रिसर्च वर्क कैसा रहा है आपका? सिर्फ कैरेक्टर ऑफ राम को लेके हम लोग चले, हम लोग राम जी के जीवन को लेके नहीं चले कि राम जी बचपन में कैसे थे, बड़े हुए तो कहाँ गए, और उनका आगे वो तो फिर आपका रामचरितमानस हो गया चाहे रामायण हो गया, तो वो धार्मिक की ओर हम लोग ना जाके सिर्फ कैरेक्टर को लिया गया है। और इंटरेस्टिंग चूंकि देखिए बहुत सिनेमा में आप जब मूवी में कॉमेडी डालेंगे थोड़ा ह्यूमरस होगा, पब्लिक जाती है रिफ्रेशमेंट के लिए, एक अच्छा कंटेंट मिले, एक अच्छा स्टोरी मिले, अच्छा नैरेटिव मिले, एक मैसेज अच्छा मिले और लॉट्स ऑफ ह्यूमर मिले, तो हम लोगों ने इस पार्ट को लिया। और ये शुरुआत ऐसा हुआ कि जब राम राज्य की पटकथा लिखने शुरू हुई तो कैरेक्टर को लोग सबसे पहले सोचते हैं कि कैसा कैरेक्टर बनाया जाए, तो संजोग ऐसा हुआ कि मुंबई में हम लोग थे और कहानी के ऊपर चर्चा हो रही थी, और हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ पे अचानक जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए खाली पड़ा हुआ है, अचानक से हम लोग के जाने के बाद पूरा रेस्टोरेंट भर गया, तो ऐसा इवेंचुअली एक बार नहीं हुआ, ऐसा तीन चार बार हुआ। तो हमने कैरेक्टर को यहाँ से पकड़ा कि हमारा कैरेक्टर जो इस मूवी का जो है वो लकी नाम है उसका, और वो लकी है, वो लक लेके पैदा हुआ है, लक लाता है, और वो बहुत मेहनती है, और समाज में वो अपने मेहनत से जो काम उसने किए हैं वो इस मूवी में आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये संजोग से ही इस तरीके से सुना। हाय, क्या है आपका कैरेक्टर? नहीं, मेरा कैरेक्टर सीता से इंस्पायर नहीं है, जैसे कि सर ने बताया कि राम राज्य है, लेकिन हम उनकी लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लड़की है सपना, जो अपनी लाइफ में एक रफ फेज के थ्रू जा रही है, उसके बाद शी एक्सीडेंटली मीट्स दिस गाय कॉल्ड लकी एंड शी गेट्स टू नो दैट यू नो ही हैज दिस थिंकिंग कि वो एक राम राज्य लाने की सोचता है, उसकी बिलीफ है कि सही के साथ साथ दो पुअर लोगों की हेल्प करो, और यू नो लाइक रिलीजन में इक्वालिटी होनी चाहिए, सोच को लेकर वो बहुत इम्प्रेस होती है, एंड उसको लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि ऐसे नहीं दिखते आज की डेट में। तो राम राज्य इज बेसिकली अबाउट द करंट लाइफ, जो आज की लाइफ है और जो आज के लोग हैं उनकी रियलिटी दिखाई गई है कि कैसे हम सही का साथ दे सकते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट सीता फॉर श्योर। जी सर, जो नाम है इसमें, नाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मूवी में, आई थिंक तो लोगों को देखनी चाहिए और मूवी देखनी चाहिए कि उसमें अगर उनको लगता है मेरे अंदर उनको सीता दिखती है तो लाइक इट डिपेंड्स। जी सर, मेरा सवाल ये कि राम जी का नाम आते उनके संस्कारों की बात आती है, जैसा कि आज से 7000 वर्ष पूर्व राम जी का कहा जाता है कैसे था, उस वक्त उन्होंने जो न्याय व्यवस्था स्थापित करी, राम राज्य में बहुत कुछ चाहते थे, राम राज्य की वक्त आज अगर होती है तो उस पर राजनीति होती है, सिर्फ सियासत होती है, हर सरकार कहती है राम राज्य लाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसा कि पोस्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि टोपी लगा रखी है धर्म विशेष के लोगों ने, और इसमें हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म रखा जाए, ऐसा राम जी कभी नहीं चाहते थे, जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करते थे, तो क्या इस मूवी में हमें जाति या धर्म का कोई एंगल दिखाई देगा, या राम राज्य जो चाहते थे अक्सर राम जी वो होगा? बहुत तकनीकी क्वेश्चन आपने किया है, तकनीक काला है इसमें, और सही क्वेश्चन है, आपने देखा कि कोई टोपी लगाया है तो कोई भगवा पहना है, तो कलर अगर हम लोगों का उद्देश्य क्या है, कलर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, टोपी से अगर हम डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो राम राज्य के स्टेटस में लाने के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा और सभी पक्षों को उठना पड़ेगा। ये जो समाज का जो बंटवारा है अपना चार बंटवारे जो समाज में है उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, और धर्म का जो बंटवारा है उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा,
क्योंकि अभी भारत में जैसा कि आप लोग कई लोगों के द्वारा जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं चाहे आरएसएस के संघ प्रमुख हैं उनके जुबान से भी आप ये बात लगातार सुन रहे हैं, चाहे आप किन्हीं बढ़िया आप दूसरे भी धर्म के इससे भी आप सुनेंगे, तो लोग एक ही बात कहेंगे कि रहना हम लोग सबको भारत में है और जब भारत में हम लोग को मिलके रहना ही है तो क्यों नहीं अच्छे स्थिति में हम लोग रहें। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लगातार फोकस किया जा रहा है कि सबको बढ़िया शिक्षा दो और बढ़िया शिक्षा होगा तो जॉब पे जाएंगे, जब जॉब पे जाएंगे तो ये सब बात सोचने का मौका नहीं मिलेगा ताकि लोग का जो भविष्य है वो बेहतर हो जाए। नहीं सर, इस फिल्म में अगर धर्म को लेकर के कोई द्वेष तो नहीं दिखाया गया? धर्म का लेके कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मूवी है तो कहीं ना कहीं कोई घटना से उस पे छांव धूप छांव उसका होता है किसी घटना का, तो घटना का प्रभाव है। लेकिन ये राम राज को कैसे लाया जाए इन सारी घटनाओं के बावजूद, ये तरीका इसमें दिखाया है क्योंकि राम नाम की लूट है ये तो करते रहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम संदीप भोजक है। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा इस फिल्म में निर्भय का किरदार है, किरदार है उसका नाम है निर्भय, और जो लकी है उसके बड़े भाई का किरदार मैंने निभाया है। ज़्यादा तो मैं किरदार के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएँ होती है जिसकी वजह से फंस जाता है कुछ ऐसे बुरे लोगों के जाल में, जिसकी वजह से ये पूरी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। तो दरअसल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो किरदार है वो कहानी को आगे बढ़ाने की ओर लेकर जाता है। और किसी वजह से आपकी भी आपने बताई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाश्वत प्रतीक है। इस मूवी में मेरा जो रोल है वो है जो प्रोटैगनिस्ट है लकी सिन्हा, उसके टीन एज का जो पार्ट है वो मैंने प्ले किया है। जो पार्ट जिस पार्ट में वो कैरेक्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे ग्रंथ की हो, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी की हो जो कि आज के दौर में काफ़ी ज़रूरत है, और चाहे वो आज के ज़माने में आज के जो इश्यूज़ हैं उसको उस पर काम करने के लिए, उसको उसके ऊपर जीतने के लिए, उन इश्यूज को जीतने के लिए जो टैक्टिक्स चाहिए होती है, जो प्रिपरेशन चाहिए होती है, उस प्रिपरेशन के थ्रू मेरा कैरेक्टर जाता है और मैं उस कैरेक्टर को प्ले करता हूं। कि मेरी भी है, इसका मुंबई में भी हुआ है, बनारस में भी हम लोगों ने किया और झारखंड के बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने किया, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लोगों के नज़र से अछूता है। बाकी हमारी सारी टीम हमने मुंबई से ही मंगाई थी, हमारा जो भी साहब लोग का वैनिटी वैन था, क्रू मेंबर्स थे, लाइट मैन थे, सारे मुंबई से आए थे क्योंकि रांची में इसकी अवेलेबिलिटी उतनी अभी है नहीं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आई इसलिए कि लोग भारत का जो है एक झलक देख सके, यहाँ के जो लोग हैं उनको वो कैसे हैं, क्या है उनका लिविंग, किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी भाषा है, इनको भी हमने इस मूवी में लाने का कहा था, तो वो भी है उसमें कहीं ना कहीं। और बहुत ही खूबसूरत है झारखंड और हमारा बनारस और मुंबई तो है ही, आप लोग देख रहे हैं, तीनों की झलक आपको इसमें मिलेगी।